हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू ड्रॉ अ विलेज सीन कॉम्पोजिशन फॉर बिगनर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कार्टर शीट की रफ साइड को दोस्तों आपको यहां पर इस्तेमाल करना होगा, प्लस आप शुरुआत कर सकते हैं नटराज की HB पेंसिल के साथ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर यह है कि हम जब भी एक विलेज सीन को बनाना शुरू करेंगे तो विलेज सीन को सुनते ही हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाता है कि यार वहाँ पर झोपड़ियाँ होंगी एंड कच्चा रास्ता होगा और गांव में जैसे लेडीज़ पानी भर के जाती हैं, कुछ वैसा टाइप। बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा सिनेरियो को दोस्तों चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, आप हट वगैरह बनाइए एंड हट के साथ आप कच्चा रास्ता भी दिखाइए क्योंकि एक विलेज है। बट वहाँ पर आप ऐसा भी दिखा सकते हैं कि लोग चल फिर रहे हैं या फिर बच्चे अपनी माँ के साथ जो है आ रहे हैं, कुछ इस टाइप से आप जो है चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम है कि आप चीज़ों को पर्सपेक्टिव में बनाना शुरू करें। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमें चीज़ों को दूर जाते हुए दिखाना है तो हमें चीज़ों को छोटा बनाना पड़ता है। तो बस इसी कंसेप्ट को दिमाग में रखना है। ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन का यहाँ पर यूज़ करें। अगर आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स को बनाने की, तो आपके दिमाग में ये आइडिया हमेशा बना रहता है कि भाई मुझे चीज़ों को पीछे जाते हुए कुछ इस हद तक छोटा दिखाना है। तो यहाँ पर बस हमारा यही जो है दोस्तों गेम चलेगा। मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि हर एक चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आए, प्लस आप ये भी समझ पाएँ कि अगर मान लीजिए बिना हॉरिजन के, बिना वर्टिकल के आप बनाते हैं अपनी कॉम्पोजिशन को, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी कॉम्पोजिशन बनाई हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल पैरेलल लाइन, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस, इन सब लाइनों को यूज़ करते हमने हर चीज़ों को बनाया है। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों हम चीज़ों को किस तरीके से बना रहे हैं। मेन बात दोस्तों यही है समझना कि आपके दिमाग में जो कंसेप्ट एंड आइडियाज़ आते हैं, आइडियाज़ हमारे दिमाग में तभी आने शुरू होते हैं जब तक हमने वैसी कोई चीज़ बनाई हो। बिना आइडिया के, मतलब लाइक बिना देख के बनाना, या फिर सपोज़ करिए कि आपने किसी चीज़ को क्रिएट किया है, लाइक एक ह्यूमन फिगर का पोज आपने बनाया, तो डेफिनेटली श्योर दोस्तों कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ह्यूमन फिगर बनाए होंगे, तो आपके दिमाग में इंस्टेंट एक आइडिया आ जाता है कि यार मुझे अगर बलून सेलर बनाना है तो मुझे उसके हाथों की पोजीशन को कुछ ऐसे रखना होगा। तो जो भी चीज़ आपको बनानी है उसका आइडिया लेने के लिए आपको एक रफ़ बेसिक प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ती है। तो मैं अपने बिगनर दोस्तों को यही गाइड करना चाहूँगा कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि बेसिक प्रैक्टिस से दोस्तों आपके दिमाग में आइडियाज़ आने शुरू होते हैं। अब यहाँ पर डार्क पेंसिल को बेसिकली दोस्तों पेन को जो है दोस्तों मैं यूज़ करने वाला हूँ फॉर द ह्यूमन फिगर ड्राइंग, सो दैट आप अच्छे तरीके से एक डिफरेंशिएशन कर पाएँ फिगर में प्लस पीछे की कॉम्पोजिशन में। देखिए दोस्तों, जब मैंने कॉम्पोजिशन बनानी शुरू की थी तो मुझे पर्सनली ये रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे जो भी बिगनर दोस्त मुझसे जुड़ेंगे, पर्सनली मैं भी वैसा ही फील करता था शुरुआत में कि यार कोई मुझे गाइड करने वाला मिल जाए या कोई मुझे एक कंसेप्ट का आइडिया दे दे कैसे जो है चीज़ों को ड्रॉ करना चाहिए। तो वही चीज़ दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि कॉम्पोजिशन ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस कुछ चीज़ों का पैटर्न है। लाइक आपको एक विजुअलाइजेशन क्लियर होनी चाहिए अपने उस कंसेप्ट की जो आपको बनाना है, और आपको हर चीज़ों को रिलेट करना होगा। लाइक अगर आपको रूम बनाना आता है तो आप उस रूम में क्लिनिक भी बना सकते हैं, आपको रूम बनाना आता है तो आप उस रूम को बेडरूम भी बना सकते हैं, आपको खाली कमरा बनाना आता है तो उस कमरे के अंदर रखे इंस्ट्रूमेंट्स, उसके अंदर टूल्स एंड ऑब्जेक्ट, उसके एनवायरनमेंट को बनाते हैं। यही चीज़ आउटडोर व्यू में भी है। अगर मुझे इस गांव के सीन को बस स्टॉप भी बनाना पड़े तो मैं उसको भी दोस्तों यहां पर बना सकता हूं, बिकॉज़ क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझे आउटडोर सीन में लेफ़्ट साइड में क्या दिखाना है, राइट साइड में क्या दिखाना है, मुझे उसकी सराउंडिंग क्या दिखानी है। तो आप लोग दोस्तों इस चीज़ को अपने दिमाग में रख के हमेशा जो है काम करें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि पीछे जाते हुए फिगर कितने छोटे हैं, आगे आते हुए फिगर बड़े हैं। तो बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए लाइट एंड डार्क के कंट्रास्ट को यूज़ करते हुए दोस्तों हम इस कॉम्पोजिशन को कंप्लीट करेंगे। एंड आई होप दोस्तों आपको भी अच्छे से जो है इन चीज़ों में मज़ा आएगा, प्लस समझ में आएगा कि कैसे कंसेप्ट को बनाया जाता है।
तो यहाँ पर अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारी कॉम्पोजिशन किस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हुई है, लगभग कंप्लीट हो चुकी है। एंड आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए ज़रूर नॉलेजेबल रही होगी, वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।